26वीं वार्षिक आदर्श स्पीच का किया गया आयोजन। भागलपुर सुल्तानगंज मुंसीपट्टी में 26वीं वार्षिक आदर्श स्पीच का आयोजन किया गया। यह आयोजन आदर्श समिति मुंसीपट्टी के द्वारा 26 वर्षों की से किया जा रहा है, जिसमें 4 जिलों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन तथा झंडा तोलन आयोजन प्रभारी रविंद्र कुमार शाह अरविंद प्रसाद मंडल के द्वारा किया गया। वहीं क्विज शिक्षक नंदन कुमार ने बताया कि यह क्विज प्रतियोगिता अष्टम से दसम तथा सीनियर वर्ग के कुल 527 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं कृष्ण कुमार शर्मा, उप आयोजन प्रभारी आकाश कुमार तथा कमेटी के सभी सदस्यों द्वारा पूर्व आयोजन प्रभारी संजय कुमार सुमन को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया गया। बता दें कि संजय कुमार सुमन का देहांत कोरोना काल में हो गया था। कोरोना काल के बाद एक बार फिर क्विज प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व आयोजन प्रभारी को नम्र श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। इस मौके पर कमेटी के तमाम कार्यकर्ता, प्रतिभागी तथा ग्रामीण मौजूद थे। आदर्श स्पीच 2021 के दो संस्थापकों में से एक संस्थापक रविंद्र कुमार शाह हूँ। यह कार्यक्रम लगातार जो है 26 वर्षों से होता आ रहा है, जिसमें कई जिले के प्रतिभागी भाग लेते आ रहे हैं। पिछले क्विज से काफी लाभ यहाँ के और बाहर के प्रतिभागियों को मिला है। आज जो है हमारा यह क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ की कई जो है डॉक्टर बन गए हैं, MBBS डॉक्टर सर्जन बन गए हैं, दारोगा में गए हैं, रेलवे गार्ड हैं, स्टेशन मास्टर हैं। इस तरह से हरेक घर में छोटी से बड़ी नौकरियां 1995 के बाद से इस क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से मिल रही है क्विज। और यहाँ जो है निशुल्क जो है क्विज प्रतिदिन 26 वर्षों से लगातार जो है सुबह में यही जो है इस स्थल पर होता है। और आदर्श क्विज समिति के नाम से एक ग्राउंड भी है, एक US ग्राउंड मुंसीपट्टी, जहाँ की यह कार्यक्रम प्रत्येक साल हो रहा है। जी, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रविंद्र कुमार शाह है। मैं वर्तमान में व्यवहार न्यायालय भागलपुर में एक अधिवक्ता हूं और यहां का इस संस्थान का, इस समिति का जो है दो संस्थापकों में से एक संस्थापक हूं। एक संस्थापक अरविंद प्रसाद मंडल है, जो कि रेल ड्राइवर है वर्तमान में। अतुल भारती, सुल्तानगंज की रिपोर्ट। आवारा पशुओं का बड़ा आतंक। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र में आए दिन आवारा पशुओं का आतंक बढ़ा हुआ है। बताते चलें कि कुछ दिन पूर्व आवारा पशुओं के हमले से एक नगरवासी घायल हो गए थे, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं फिर से आवारा पशुओं का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। कभी आम आदमी तो कभी ATM के गेट का दरवाजा तोड़ा जा रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना कई बार पशुपालन विभाग को दी गई, लेकिन पशुपालन विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। पशु का इस तरह आतंक हो गया है कि फील्ड में जो लोग लड़का सब खेलते हैं उसको भी परेशान करता है। गली में जो स्कूल कॉलेज की लड़के लड़कियां पढ़ने जाती हैं कुमार गली में, कभी उसको डिस्टर्ब करता है, ATM में कभी घुस जाता है। इसके लिए पशुपालन विभाग को हमारा पशु को अपना पकड़ के ले जाना चाहिए। अतुल भारती, सुल्तानगंज।